जिला प्रशासन की बरसात से निपटने की तैयारी जोरों पर चल रही है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि बरसात से जल जमाव की स्थिति जो उत्पन्न होती है, जिसके निजात के लिए नालों की सफाई पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। एक अभियान चलाकर नालों की सफाई करवाई जा रही है, जिसके अलावा गुड़धैया नाले पर सफाई का कार्य चल रहा है, जिसमें 50% बरसात का पानी जाता है, जिसका कार्य बरसात से पहले पूरा कर दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बंधों की मरम्मत का कार्य तेजी से चल रहा है, उस कार्य को भी पूरा कर लिया जाएगा। जहां JEES के प्रकोप से बचने के लिए सभी ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्रों में दस्तक अभियान चल रहा है, घर घर जाकर लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बरसात से पहले सभी कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा, जिससे कि कहीं पर भी जल जमाव ना होने पाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जैसे अभी वर्षा ऋतु के पहले हम लोगों का मेन है कि जल जमाव की स्थिति जो उत्पन्न होती है गोरखपुर में, उसको उससे निजात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में नालों की सफाई हो जाए, सिल्ट हट जाए, वहाँ पे नालों को, और विशेषकर हमारे जो 50% से ज़्यादा जल निकासी जो गौरदोले नाले में होता है, उसमें मिशन मोड पे काम चल रहा है। समय से पूरा हम काम उसमें करा लेंगे। बाढ़ राहत कार्य सभी प्रारंभ हो गए हैं, सभी तटबंधों का मरम्मत का काम, उसमें सुदृढ़ीकरण का काम, ड्रेजिंग का कार्य वो मिशन मोड पे चल रहा है, वो भी पूरा करवा लेंगे। जहाँ JEES के प्रकोप के बचने के लिए सभी ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में संचारी रोग अभियान, दस्तक अभियान चल रहा है, जहाँ घर घर जाके हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, व्यवहार परिवर्तन कर रहे हैं। जहाँ कूड़ा करकट और जल खरपतवार है, उसको हटवाने के लिए मिशन मोड पे काम चल रहा है। उपकरण की व्यवस्था, मानव संसाधन की व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था सब सुनिश्चित की गई है, प्लानिंग की गई है, एग्जीक्यूशन मिशन मोड में चल रहा है। समय से पूर्ण कार्य पूर्ण कर लेंगे।